हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपका लाइव क्लास नहीं ले पाए हैं, उसके बदले मैं आपको वीडियो बना के भेज रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन, बच्चों का फरमाइश था कि सर मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन, तो ये मैक्सिमा मिनिमा का सबसे सुपर क्वेश्चन है ट्वेल्थ बोर्ड के लिए, चाहे वो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो या अन्य बोर्ड हो। देखिये, लिखा है प्रूव दैट द फंक्शन साइन एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स बराबर पाई बाई थ्री, एक्स बिलोंग्स टू जीरो क्लोज इंटरवल जीरो टू क्लोज इंटरवल पाई। चलिए भाई, एक्स की वैल्यू जीरो और पाई के बीच स्लाइड कर रहा है और पॉइंट यहां पर दिया है एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। कुछ नहीं करना है, चेक करना है, साबित करना है कि आप एक्स बराबर थ्री पर क्या मैक्सिमम वैल्यू है। तो चलिए बनाते हैं कैसे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो पहले हम यहां से सोल्यूशन करते हैं। पहले हम दिए हुए फंक्शन को, ठीक है, दिए हुए फंक्शन को क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ मान लेते हैं। पहले चलिए मान लेते हैं कि लेट वाई बराबर क्वेश्चन, ठीक है, दिए हुए फंक्शन को पहले क्या करेंगे, लेट वाई कर लेते हैं। माना कि वाई बराबर आपका दिया हुआ फंक्शन साइन एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स। क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, ठीक है my dear student, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, x के respect में differentiate कर देंगे। चलिए फटाफट किया जाए, dy dx LHS और dy dx क्या RHS करेंगे। sin x, यहां मुझे लिखना है sin x into 1 plus cos x, u into v form, आपको पता है u into v form क्या होता है। तो साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स हम लिखने जा रहे हैं वन प्लस कॉस एक्स, अब प्लस प्लस देखिए यू गया बाहर तो भी का, अब ही गया बाहर तो यू का करेंगे डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स साइन एक्स। माय डियर स्टूडेंट, यू गया बाहर तो भी का डिफरेंशिएशन, भी गया बाहर तो यू का डिफरेंशिएशन, इसे बोलते हैं यू इंटू ही फॉर्म, पता है सब आपको। साइन एक्स इंटू, चलिए वन का जीरो, कॉस का होगा माइनस साइन एक्स, अब फिर क्या होगा वन प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का डी बाई डी एक्स होता है कॉस एक्स। चलिए यहां से क्या करते हैं, माइनस से गुणा कराते हैं, तो माइनस साइन ए साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, आपको पता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, यहां से क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस, यहां से गुणा करेंगे ना तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, बगल से हम उतार रहे हैं, क्या उतार रहे हैं कॉस एक्स, फिर यहां से क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल को जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हैं कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत से हम आपको इतनी रात को करीब 9:30 बजने वाले हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं। चलिए आगे का स्टेप देखिएगा, अभी क्वेश्चन बना नहीं है, क्वेश्चन तो अभी अब शुरू हुआ है। देखिए चलिए यहां से देखिए, माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, क्या होगा कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन अभी बना नहीं है, क्वेश्चन अभी तो बन रहा है, अभी बहुत सारा चीज बाकी है, हम रही नहीं। यू गया बाहर तो डी बाई डी एक्स भी का, भी गया बाहर तो डी बाई डी एक्स यू का, आपको समझ में आ रहा है। वन का जीरो, कॉस का माइनस साइन एक्स, साइन का डी बाई एक्स कॉस एक्स, इससे गुणा करा दिया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये यहां भी इंटू करा दिया कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स टीगो का फॉर्मूला है, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का इंटू करा दिया जाए तो यहां से क्या होगा बताइए, जगह नहीं है, हम ऊपर से मिटा के फिर लिखते हैं। चलिए तो ये कपड़ा रहा और ऊपर से हम मिटा के लिख रहे हैं, ये किसका आंसर है आपको पता है dy by dx, dy by dx, dy, यहां मैं लिख देता हूं dy by dx, ठीक है, खूब बढ़िया सा अच्छा सा समझ लीजिए। चलिए ऊपर से मैं मिटा रहा हूं, आप अपना फरमाइश क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं, लेकिन आप फालतू क्वेश्चन को ना रिवीजन करें, अच्छा अच्छा क्वेश्चन का रिवीजन करें जो एग्जाम में आने वाले हैं। कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है जो बिल्कुल बोर्ड मॉडल नहीं है वो, ठीक है। तो चलिए यहां से हम क्या कैलकुलेशन करके लाए हैं जी, तो हम लाए हैं dy by dx is equal to लेके आए हैं 1 cos square 1 cos square, तो आप कहेंगे सर 2 cos square x, अब बगल में क्या बच गया मेरे पास cos x,
फिर क्या है मेरे पास माइनस वन। अब इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यहां से फैक्टर तो करेंगे ही, फैक्टर तो करेंगे, लेकिन यहां हम ये जो निकला है आंसर ना, ये आंसर क्या है, इसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। अभी एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार और करेंगे ताकि पता चले कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, या तो हम सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स कर ले या इसका पॉइंट निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं कि हम लोग लिखेंगे फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू या फॉर मिनिमम वैल्यू, दोनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को जीरो कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद माय डियर स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स का जगह पर जीरो करते हैं, तो एक चीज लिखते हैं कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू, अंडरलाइन कर लेते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या रूल है, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो दोनों के लिए रूल है कि डी वाई डी एक्स का मान जीरो किया जाता है। तो चलिए करके देखा जाए कौन सा पॉइंट आ रहा है, और एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग ताकि पता चले कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ठीक है। चलिए तो हम क्या कर दिए कि डी वाई डी एक्स का मान जीरो करेंगे, तो यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो बराबर टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका फैक्टर करेंगे, चलिए फैक्टर करते हैं, तो क्या होगा फैक्टर, टू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, ताकि दो को एक्स में से एक को एक्स गया, एक को एक्स होगा, दोनों में गुणा करेंगे पहले तीसरे के गुणनफल के बराबर, यानी फैक्टर सेटिंग करना था जो हो रहा है। चलिए दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर कॉस एक्स कॉमन है, यहां से हो जाएगा कॉस एक्स और यहां से हो जाएगा वन, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो माइनस का कॉमन है तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वन, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट जीरो बराबर क्या हो गया, दोनों सेम सेम है तो लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वन, अब बाहर बाहर क्या है, देखिए बाहर बाहर क्या है, टू कॉस एक्स माइनस वन, यहाँ वन लिख सकते हैं, टू कॉस एक्स माइनस वन ना जी। अब देखिए यहां से क्या क्या होने वाला है, तो एक बार होगा कॉस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक बार होगा टू कॉस एक्स माइनस वन बराबर जीरो, दो चीजें। नेक्स्ट देखिए आगे, अभी भी जगह की कमी है, अभी भी जगह की कमी है, अब हम किसको मिटाए, हम तो इसको मिटाना चाहते नहीं क्योंकि इसका एक बार फिर से करना है डिफरेंशिएट, तो मैं इसको ही मिटा देता हूं। चलिए दो स्टेप मिटा के तीन स्टेप मिटा देता हूं, और यहां से देखिए किसी को कोई दिक्कत है तो बोलेंगे आप कमेंट में, हमें जरूर बताएंगे कहां क्या प्रॉब्लम। यहां से आंसर देखिए क्या है, कॉस एक्स बराबर माइनस वन, एक बार क्या होगा टू कॉस एक्स इज इक्वल टू वन होगा, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टू, ठीक है। अब कॉस में वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू होती है, ये कॉस कॉस कट गया तो एक्स की वैल्यू निकल गया भाई पाई बाई थ्री, देखिए एक्स की वैल्यू पाई बाई थ्री, इसे देखिए अब पॉइंट में भी दिया है, क्वेश्चन में भी गिवन है, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, मेरा आ भी रहा है एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, ठीक है। ये अब यहां से देखिए, अभी एक और वैल्यू मुझे फाइंड करना है, कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस में माइनस वन कौन देता है रिजल्ट, तो कॉस एक्स ऑसी यानी पाई होगा, कॉस कॉस कट गया तो एक्स का मान पाई होगा, देखिए दो आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम इसका सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स निकालेंगे, इसका सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स चलते हैं निकालने, देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट मार्कर का कमी हो रहा है जी, कैसे क्या होगा, चलिए आ गया, मिल गया, चलिए अच्छा हुआ कि एक मार्कर मुझे मिल गया है, देखिए चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। माय डियर स्टूडेंट अब हम क्या करने जा रहे हैं, याद रखेंगे पॉइंट मुझे मिला x इक्वल टू पाई और x इक्वल टू पाई बाई थ्री, मैं इसका जा रहा हूं फिर से डिफरेंशिएट करने, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स करने जा रहा हूं ताकि पता चले कि हाँ ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो यहां से देखेंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पे ऐसे लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग, लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग ऑफ, डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अच्छा से लिखा जाए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे लिखे डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, समीकरण बोथ साइड, समीकरण एक के दोनों तरफ हम जा रहे हैं क्या करने, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई समीकरण एक का डिफरेंशिएट हम लोग करने जा रहे हैं, चलिए किया जाए,
फर्स्ट देखेंगे। चलो भैया कहा देख रहे हो कि ये मेरा जो है ना इसका ही मुझे करना था सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, तो डी बाई एक्स यहाँ लगाया, डी बाई एक्स यहाँ लगाया, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये है, टू गया बाहर तो कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा, टू कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है। दो गया बाहर पावर बेस, पावर माइनस वन, फिर बेस का करेंगे, कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, माइनस वन का क्या होगा जीरो, ठीक है। अब यहाँ से आंसर देखिए कितना होगा, यहाँ से आंसर हो गया माइनस फोर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब यहां से हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन क्या लेंगे, माइनस साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, चलिए माइनस साइन एक्स कॉमन चला गया, आंसर हो जाएगा फोर कॉस एक्स प्लस वन। क्या दिखाई दे रहा है कि जो मेरा डिफरेंशिएशन है वो जीरो से छोटा है, माइनस में आ रहा है, यहां लिखेंगे क्लियरली, लिखेंगे क्लियरली कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स का जो मान है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान जो है वो जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा है मतलब क्या है मैक्सिमा, हाजी क्लियर हो गया, मैक्सिमा हो रहा है, इसका आंसर क्या हो रहा है मैक्सिमा हो रहा है। तो कैसे हम लोग क्या लिखेंगे इसके बाद, हमने साबित कर दिया कि ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है, और पॉइंट क्या था हमारा एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, एक्स इज इक्वल टू पाई था, दोनों पर चेक करते हैं हम, चलिए दोनों पर चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, तो जो वैल्यू आया है ना, जो वैल्यू आया है उसको पुनः हम फंक्शन में पुटिंग करते हैं, यहां से लिखते हैं, यहां तो सोल्यूशन था ही आपको पता है, यहां लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू पाई, फिर लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, सीधे सीधे क्वेश्चन में लेकर चलते हैं, यहां यहां पुटिंग करते हैं, यहां पुटिंग करेंगे तो साइन पाई हो जाएगा, वन प्लस कॉस पाई हो जाएगा, चेक करते हैं, यहां भी वही करते हैं, साइन लिखेंगे पाई बाई थ्री, फिर लिखेंगे वन प्लस कॉस पाई बाई थ्री लिखेंगे, और यहां से आंसर तैयार करेंगे, साइन पाई का मान जीरो होता है तो ये तो जीरो हो गया, छोड़ दीजिए, चलिए यहां से कितना हो गया, देखो भाई साइन पाई बाई थ्री का मान होता है स्क्वायर रूट थ्री बाई टू, वन प्लस इसका मान वन बाई टू होता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, कंप्लीट आपके एग्जाम में ये पांच नंबर के आने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लंबा तो जाएगा ही, इसे घबराना नहीं है। यहां से आंसर देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट थ्री बाई टू, ये हो जाएगा थ्री बाई टू, आंसर आ गया थ्री इंटू स्क्वायर रूट थ्री बाई फोर आ गया, तो लिखेंगे लिखेंगे यहां से हेंस, लिखेंगे हेंस फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन इज मैक्सिमम लिख देते हैं, फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स बराबर पाई बाई थ्री इज इतना, कितना थ्री इंटू स्क्वायर रूट थ्री बाई फोर, ठीक है। तो यही तो है, साबित हो गया कि हाँ जी मैक्सिमा है, हमें प्रूव करना था कि क्या मैक्सिमा है, तो हाँ है, x बराबर पाई बाई थ्री पर मैक्सिमा है, जो इतना आंसर आ रहा है, हम चाहे तो प्रूव लिख सकते हैं। थैंक यू बेटा, फिर अगले वीडियो में हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, और कल 8 बजे लाइव क्लास भी हम आपको कल देंगे, आज तो फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन हम नहीं दे पाए हैं आपको लाइव क्लास, वीडियो बनाकर भेज रहे हैं चूंकि लाइव में दिक्कत हो रहा है, वीडियो में आपको सब कुछ मिल गया। थैंक यू बेटा, फिर मिलते हैं, चलिए।